दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं जो आप सभी के डाउट्स रहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। सबसे पहले हाइलाइट्स को कवर करते हैं। आज हम जानेंगे ओपन मैनेंट के बारे में कि पाई नेटवर्क की जो ऑफिशियल लॉन्चिंग है वो आप सभी को कब देखने को मिलेगी और उसके साथ पाई पेमेंट प्रोसेस के अंदर अपडेट आ चुका है। और सबसे ज्यादा लोग ये भी पूछ रहे थे कि माइनर केवाईसी सोल्यूशन बताओ, मतलब कि जो लोग 4 साल से लेकर 17 साल के बीच में है तो उनकी केवाईसी कैसे की जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज के दिन ही, हाँ दोस्तों 8 तारीख को ही इन्होंने ऑफिशियल अपडेट आ चुका है माइनर केवाईसी को लेके, जो आप सबको अब बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। उसके साथ आप बाय कर सकते हो मोटर बाइक, वो भी पाई कॉइन के बिहाफ पे। वैल्यू के बारे में जानोगे, पाई नेटवर्क का क्या फ्यूचर और ग्रोथ होने वाली है वो आपको पता चलेगा। 9 टाइप्स ऑफ क्रिप्टो एसेट्स हैं जो पाई नेटवर्क के अंदर अभी आप सभी देख पाओगे। इकोसिस्टम के रिगार्डिंग आप सभी को पता चलेगा। ये सारी चीजें वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा, तो शुरू से लेके आखिर तक देखना, तभी आप सारी चीजों को अच्छे समझ पाओगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर लें। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी क्रिप्टो के आप सभी को अपडेट्स देखने को मिलते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फर्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को एक इमेज देखने को मिलेगी। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ सालों पहले, मतलब यहाँ पे 1998 में $20 का जो वैल्यूएशन था उसके आसपास आप इतने सारे ग्रोसरी आइटम्स को बाय कर पा रहे थे। 2005 के अंदर सिर्फ $20 के अंदर आप देखोगे कि आपकी जो ग्रोसरीज है वो कम हो चुकी हैं। और उसके 2014 में आप देखोगे तो $20 के हिसाब से ग्रोसरी और कम हो चुकी है। और अभी 2021 में देखोगे तो आप देखोगे कि $20 के हिसाब से आपको बहुत ही लिमिटेड सामान मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे करके वैल्यू तो वही है, मतलब नंबर्स की टर्म्स में तो वही है, बट जो अभी बात करें इकोनॉमिकल लेवल की, हम बात करें या हम बात करें इन्फ्लेशन की, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसी तरीके से पाई की बात की जा रही है कि एक पाई के हिसाब से 2022 के अंदर, ठीक है, आप सभी देख पाते हो कि अभी बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के अंदर लास्ट ईयर आपने देखा था कि इसके बार्टर सिस्टम भी आप देख रहे थे। और 2023 के अंदर जो अभी चल रहा है इसके अंदर आप सभी देख रहे हो, जैसे मैं बताऊंगा आपको कि मोटर बाइक्स भी बाय की जा रही है, कार्स के शोरूम्स भी आप देख पा रहे हो, और भी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर पाई नेटवर्क की जो बाइंग एंड सेलिंग है वो देख पा रहे हो। 2024 के अंदर ये और बढ़ने वाला है और 2025 के अंदर बताया जा रहा है कि 1 पाई के वैल्यूएशन के हिसाब से आप इतनी एक्सपेंसिव कार को बाय कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं कितनी पॉसिबल होने वाली है वो तो समय ही बताएगा, बट आप एक चीज को अभी समझ सकते हो कि पाई एक ऐसी क्रिप्टोकरेंसी है जो अदर क्रिप्टोकरेंसी से एकदम डिफरेंट तरीके से प्रमोशन करती है। पाई नेटवर्क ने कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ा है जिससे कि प्रमोशन किया जा सके, चाहे छोटी शॉप्स हो चाहे लग्जरी शॉप्स हो, हर जगह पे आपको पाई देखने को मिलता है। कार की भी आपने बहुत सारे शोरूम्स वगैरह भी देखे हैं जहाँ पे पाई के प्रॉपर नेम से किया जा रहा है, बड़े बड़े इवेंट्स किए जाते हैं जिसके अंदर लाखों रुपए का एक्सपेंस किया जाता है। और आजकल जो नवंबर महीना चल रहा है इसके अंदर भी लाइव कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं फिजिकली लोगों को ऑफलाइन बुला के। तो कहीं ना कहीं ये चीजें टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है, बट थोड़ा समय लगेगा, बाकी जो चीजें हैं आपको आगे पता लगने वाली है। एंड गाइस अब हम चलते हैं नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं केवाईसी के बारे में। सबसे पहले मैं आप सभी को अपडेट दिखाना चाहूंगा, तो यहाँ पे अपडेट हो चुका है 12 घंटे पहले, और उसके साथ यहाँ पे टेक्निकल जो इंटरनली होता है कोडिंग के थ्रू वो भी यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है, जैसा कि आप सभी देख सकते हो। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि इन्होंने क्या बताया है। जैसा कि बताया जा रहा है ऑन November 8, 2023 आज की डेट है, पाइको टीम अपडेटेड एंड टेस्टेड दी पाई पेमेंट प्रोसेस फॉर चाइल्ड यूजर्स। तो जितने भी चाइल्ड्स हैं, जितने भी बच्चे हैं, उनके लिए जो पेमेंट प्रोसेस है उसको टेस्ट किया जा रहा है और इसको जल्दी से जल्दी आप सभी के बीच में लाया जाएगा। ऑब्जर्विंग डेटा शोज दैट पाइको टीम क्रिएटेड एन अकाउंट एंड मेड पेमेंट अ फ्यू आवर्स अगो। तो यहाँ पे इन्होंने जो डेटा है उसको चेक करवा दिया है आप सभी के बीच में, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, और इसकी टेस्टिंग चल रही है और ये अच्छी खासी, मतलब जो इनके रिजल्ट्स हैं हमें देखने को मिलते हैं। दिस मीन्स द केवाईसी प्रोसेस फॉर माइनर्स विल सून बी रिलीज बाय पाइको टीम। पाइको टीम जो माइनर लोग हैं जो 4 साल से लेकर 17 साल के बीच में है, बताया भी जा रहा है चिल्ड्रंस फ्रॉम 4 to 17 years old कैन कंप्लीटली केवाईसी पाई इन मैनी डिफरेंट फॉर्म। जो
ये लोग हैं 4 साल से लेके 17 साल के जो बच्चे हैं, इनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। प्रॉब्लम्स इस वजह से हो रही है क्योंकि पाइको टीम ने साफ साफ बोल रखा है कि जो आप अपने फोन में माइन कर रहे हो तो आप अपना ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाओगे। अगर आपका बच्चा भी माइन कर रहा है तो उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो आप अपना अपलोड करोगे, वो भी एज अ पेरेंट्स के हिसाब से, माइनर के हिसाब से। बट अब इसके अंदर भी चेंजेस किए जा रहे हैं क्योंकि अगर आप एक डॉक्यूमेंट को 2-3 बार अपलोड करते हो अलग अलग अकाउंट से, तो कहीं ना कहीं आपका वायलेशन में आ जाता है या आपका जो पाई कॉइन्स है उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इस वजह से इस चीज को लाया जा रहा है, और ये एक दो लोगों के संग प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के संग प्रॉब्लम है क्योंकि पाई नेटवर्क को माइन करने वाले लोग डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। तो पूरी जो फैमिली है अलग अलग कंट्री की, वो चाह रही है कि इस चीज को माइन किया जाए। और इसी वजह से यहाँ पे आप सभी के बीच में कुछ नए तरीके आएंगे, नए फॉर्म्स आएंगे, वो भी माइनर्स के लिए स्पेशली। और वो फॉर्म के थ्रू आप अपने किड्स का, आप अपने बच्चों का इजीली फॉर्म फिल कर पाओगे। कंटिन्यू ट्रैकिंग, आई विल कंटिन्यू टू एनालाइज द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द पाइको टीम, एवरीथिंग इज ग्रेजुअली बींग कम्प्लीटेड। मतलब कि सारी चीजें आप सभी को फ्यूचर में देखने को मिलेगी, और अभी हाल फिलहाल के अंदर जो इंटरनल टेस्टिंग वगैरह है वो इन्होंने चालू कर दी है, तो कहीं ना कहीं ये आप सभी के लिए अच्छी बात है। एंड गाइस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे बताया जा रहा है सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पाइनियर्स एक्सचेंजिंग वन मोटर बाइक फॉर वन पाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 पाई के वैल्यूएशन के हिसाब से इन्होंने ये चीज को कंप्लीट किया है। और उसके साथ मैं आप सभी को प्रॉपर वीडियो फुटेज भी दिखाना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी देखोगे, इन्होंने प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स भी शो करे हैं और लीगल टर्म्स के अंदर इस चीज को किया गया है, और पेमेंट्स भी इन्होंने करके दिखाया है, जैसा कि आप स्क्रीन वगैरह पे देख पा रहे हो। और उसके साथ कुछ और फोटोज है जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हो, नए नए कॉफी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह जो छोटे मोटे हैं वो ओपन किया जा रहा है, और अलग अलग कंट्री के जो पाइनियर्स हैं, जैसे इंडोनेशिया के पाइनियर्स हैं, पाई नेटवर्क को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आजकल में बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह को कंडक्ट कराया गया है, जिसकी जो फुटेजेस वगैरह है आप सभी स्क्रीन वगैरह पे देख पा रहे हैं। एंड गाइस, अब हम चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो यहाँ पे आप सभी कुछ नई नई शॉप्स वगैरह देख पाओगे स्क्रीन के अंदर, जो अलग अलग लोकेशंस के अंदर स्टार्ट की गई है, और प्रॉपरली ये पाई नेटवर्क के नेम से है। और पाई की जो पेमेंट्स है यहाँ पे इन सभी जगहों पे 100% आप सभी को देखने को मिलती है, और इसके थ्रू आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को, फूड को इजीली बाय कर सकते हो। पाई जो टैक्सी सर्विसेज है आप सभी वो भी इस वाली फुटेज के अंदर देख सकते हो, और दिल्ली एनसीआर के अंदर भी इस चीज को स्टार्ट किया गया है। अब हम दोस्तों चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। जैसा कि इस टाइप का कुछ आप सभी को होम स्क्रीन पे इंटरफेस देखने को मिलेगा, और बताया जा रहा है देयर आर 9 टाइप्स ऑफ एसेट्स यूजर्स कैन ट्रांसफर एंड रिसीव फॉर फ्री इंटरनली। यहाँ पे बताया जा रहा है 9 टाइप ऑफ आपको एसेट देखने को मिलेगी जो आप ट्रांसफर वगैरह कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, वो भी फ्री। ठीक है, वो भी इसके अंदर ही। दिस फीचर केम विद द ब्रीफ दैट पाई ब्रिज इकोसिस्टम इन द नियर फ्यूचर विल बी एक्सट्रीमली डाइवर्स फॉर यूजर्स टू कंज्यूमर्स विद इन द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे हो, आप सभी को फ्यूचर में और सारी हेल्प मिलेगी, चाहे पेमेंट्स आपको करनी है, विड्रॉल्स करना है, सब कुछ आप देख पाओगे। जैसे पाई की हम बात करें तो $0.29 के आसपास इसका आप वैल्यूएशन देख पाओगे, और जो पाई ब्रिजेस है इसका आप वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पे 0.0038 के आसपास आप देखोगे, और बाइनेंस कॉइन भी यहाँ पे शो कर रहा है $247 का है, और बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे 35,000 से ऊपर डॉलर का है। और बाकी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे कि टॉप की क्रिप्टो करेंसीज है, इथीरियम हो गया, टेथर हो गया, VNDC हो गया, ठीक है, ये नया है, ऑनस भी नया है और कैमली भी नया है। तो ऑनस के साथ इन्होंने कोलैब कर रखा है और कैमली के साथ भी ये मिलके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2-3 चीजें ही नई इंक्लूड है, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, टेथर एंड बाइनेंस कॉइन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी शुरुआत है, आने वाले टाइम के अंदर आप सभी को और भी इसके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंड गाइस, अब हम कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स को कवर कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहले मैं आप सभी को कुछ ट्रांजेक्शन दिखाऊंगा, तो पाई ब्लॉक एक्सप्लोरर के ऊपर आप सभी रिसेंटली ट्रांजेक्शन वगैरह देख सकते हो। जैसा कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखी गई है, उसके साथ सेकंड वगैरह भी लिखे गए हैं कि कितने सेकंड के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन की गई है। अब मैं दोस्तों आप सभी को एक बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट दिखाने जा रहा हूँ, लार्जेस्ट चाइनीज सुपरमार्केट एक्सेप्ट पाई कॉइन पेमेंट्स। हाँ दोस्तों, चाइना के अंदर एक बहुत बड़ी सुपरमार्केट है जो एक्सेप्ट कर रही है पाई की पेमेंट। जितनी बड़ी आप इस लोकेशन को देख रहे हो, इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ आप सभी को यहाँ पे शॉप्स देखने को मिलेगी, प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जहां पे पाई की ही पेमेंट्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सुपर मार्केट है चाइना के अंदर, जहां पे अगर आपको कोई ग्रोसरी आइटम्स लेने हैं, XYZ कोई भी आइटम्स लेने हैं, मैक्सिमम आप आइटम्स को बाय कर सकते हो, वो भी पाई कॉइन के हिसाब से। अभी तो ये शुरुआत है क्योंकि अभी इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग नहीं हुई। ऑफिशियल लॉन्चिंग होने के बाद आपको इसके अंदर
और भी बहुत सारे डिफरेंट चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। एंड गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क रोड मैप अपडेट रिवील्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोसिस्टम मोस्ट इम्पैक्टफुल फीचर्स, मतलब कि आप सभी को और क्या क्या नई चीजें देखने को मिलने वाली है V2 के अंदर जो कि दिसंबर के अंदर आएगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है न्यू माइनिंग एल्गोरिदम आप सभी को देखने को मिलेगा जिससे कि और अच्छे तरीके से आप माइन कर पाओगे और इसके अंदर जो एफिशिएंसी है वो आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, बट एनर्जी बहुत यहाँ पे कम लगने वाली है। मोर ट्रांसपेरेंसी एंड इन्फॉर्मेटिव माइनिंग रिवॉर्ड, तो यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिलेगी जिसके अंदर और भी डिटेल में चीजों को आप समझ पाओगे और उसके साथ माइनिंग रिवॉर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। पाई ब्राउज यूजर के अंदर ये क्या-क्या चीजें अपडेट करने वाले हैं, तो यूआई इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। द टीम इज वर्किंग टू इंप्रूव द ओवरऑल यूजर इंटरफेस, ठीक है, जो आप सभी का इंटरफेस है वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि जैसे आप पाई ब्राउजर को ओपन करोगे तो वो और आप सभी को स्मार्ट देखने में लगेगा और आप सभी के लिए और इंटरेस्टिंग होने वाला है, चाहे उसके हम आइकन्स की बात कर लें या इंटरफेस की बात कर लें, थीम की बात कर लें, सब कुछ चेंज हो जाएगा। सीमलेस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, आप सभी को सीमलेस ऑनबोर्डिंग प्रोसेस देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होने वाला, न्यू पाई ब्राउजर यूजर्स मेकिंग इट्स इजियर फॉर देम टू गेट स्टार्टेड, जो भी नए नए लोग जुड़ेंगे उनके लिए और सिंपल होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जो क्रिप्टो करेंसी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, अगर नया बंदा है उसको नहीं पता चलेगा कि कैसे चीजें काम करती है, माइंड कैसे किया जाता है और बाकी जो टाइप ऑफ चीजें हैं NFTs हैं या बाकी सब चीजें हैं वो होती क्या है। तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस को रखा जाएगा कि कोई भी नया बंदा आएगा तो उसको इजिली ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। और उसके साथ बताया जा रहा है सपोर्ट फॉर मोर पाई एप्स, तो आप सभी को सपोर्ट्स भी देखने को मिलेंगे जितनी एप्लीकेशन होंगी, क्योंकि एप्लीकेशन ज्यादा होंगी तो आप सबको यूज करोगे तो कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसका सपोर्ट भी होना चाहिए। और बताया जा रहा ऑन चेन KYC, ऑन चेन KYC के अंदर क्या क्या चीजें चेंज करने वाले हैं, क्योंकि KYC भी जरूरी है, क्योंकि KYC को लेके ही हम सभी लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है पाई नेटवर्क की, क्योंकि KYC की वजह से ही ओपन मैनेज रुका हुआ है। तो यहाँ पे इम्प्रूव करने वाले हैं सिंप्लीफाइड यूजर इंटरफेस, तो यहाँ पे यूजर इंटरफेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा। इम्प्रूव एरर हैंडलिंग, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को बहुत सारे एरर्स देखने को मिलते हैं, प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, उन सभी चीजों को ठीक किया जाएगा। सपोर्ट फॉर मोर डॉक्यूमेंट टाइप्स, अलग अलग कंट्री में कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स उनके पास वैलिड नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए बहुत बेस्ट चीज है जो आप सभी को सेकंड V2 में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात करने जा रहे हैं जो मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में बोला था कि आप सभी को पाई नेटवर्क की ऑफिशियल लॉन्चिंग कब देखने को मिलेगी, तो इसी चीज को लेकर यहाँ पे अपडेट आ चुका है। पाई नेटवर्क कोर टीम ऑप्ट्स फॉर एडेप्टिव स्ट्रेटजी इन ओपन मैनेज डेवलपमेंट, जैसा कि आप सभी को पता है दिसंबर के महीने में ये V2 का जो रोड मैप है वो रिलीज कर देंगे। तो आप सभी को अभी जो टारगेट करना है वो V2 पे टारगेट करना है, क्योंकि V2 जैसे ही रिलीज होगा सारी चीजें आप सभी की मैक्सिमम क्लियर हो जाएंगी और पाई नेटवर्क को अब 2024 के अंदर ओपन मैनेंट को रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड है धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है। अगर ये अभी नहीं करेंगे, क्योंकि रोड मैप के बाद ही ऑब्वियसली सी बात है कि आपको लॉन्चिंग देखने को मिलेगा, इस साल तो चांसेस नहीं है कि आप सभी को लॉन्चिंग देखने को मिले। आई होप सो कि इस साल मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि दिसंबर के स्टार्टिंग में अगर ये रोड मैप को रिलीज कर देंगे तो मे बी एंडिंग तक में इस चीज को रिलीज कर दें या न्यू ईयर के आसपास ये रिलीज करेंगे ऑफिशियली ओपन मैनेज, और ये सारी चीजें आप सभी को रोड मैप के अंदर ही पता चलेगी। और इस बार इन्होंने अगर रिलीज नहीं किया तो बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर्स हैं जो पाई नेटवर्क को डाउनफॉल में ला देंगे, मैक्सिमम जो यूजर्स हैं इसको छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि 4 साल ज्यादा हो चुका है, या मैक्सिमम लोग इसके साथ रहेंगे बट KYC के लिए उतने एफर्ट्स वगैरह नहीं करेंगे, डेली पाई के अंदर माइनिंग नहीं करेंगे, वो सोचेंगे जितना हमने माइन कर लिया जो भी होगा देखा जाएगा, जब भी ओपनमेंट आएगा जितने भी हमारे पास पाई कॉइन्स हैं हम इसमें खुश हैं। तो इस सिचुएशन में ऑटोमेटिकली उसका डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा पाई नेटवर्क का, इसीलिए इनको लॉन्चिंग करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल जो टाइम होता है बहुत ज्यादा होता है और इस टाइम तक इन्होंने जितना बिल्ड किया है अब उनको मार्केट में लाना चाहिए। सो दोस्तों आई होप सो कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको 1% भी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज गाइस एक लाइक कर देना एंड गाइस चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, उस सबका मैं रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।